अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा द्वारा जिलों में संपत्ति संबंधी अपराधियों की गिरफ्तारी एवं चालानशुदा अपराधियों की गतिविधियों की जानकारी हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आईपीएस पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर चुनाराम जाट के आदेशानुसार जिला अजमेर में संपत्ति संबंधी अपराध और लूट नकबजनी तथा चैन स्नेचिंग में फरार चल रहे बदमाशों की धरपकड़ हेतु विशेष अभियान के तहत श्री थाना पुलिस की ओर से कार्यवाही की गई। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा के नेतृत्व में गठित टीम ने शहर के अलग अलग स्थानों से चोरी प्रकरण में पूर्व में 11 चालानशुदा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी जोधा के अनुसार पुलिस टीम ने मुकेश पुत्र करण सिंह सासी, लोकेश पुत्र चनाराम सासी निवासी सासी बस्ती छावनी, अजय सिंह पुत्र राम प्रसाद रावत निवासी विजयनगर रोड सुरेश कॉलोनी, सुरेश सिंह पुत्र शंकर सिंह रावत निवासी विजयनगर रोड दादाबाड़ी ब्यावर, भारत सिंह उर्फ कालू पुत्र भंवर सिंह रावत निवासी विजयनगर रोड ब्यावर सेदरिया, दलित सिंह पुत्र शैतान सिंह रावत निवासी दयाजी मंदिर के पास सेदरिया, जीतू पुत्र पाचूराम सासी निवासी सासी बस्ती छावनी, अमर सिंह उर्फ टीनू पुत्र बाबू सिंह रावत निवासी विजयनगर रोड दादाबाड़ी, राजू बोहरा पुत्र मदन लाल रेकर निवासी गोपाल जी मोहल्ला, विक्रम सिंह पुत्र राम सिंह रावत निवासी नया गांव अखातु का बाड़िया पुलिस थाना ब्यावर सदर तथा नसीर पुत्र सोहन जाति रावत निवासी श्यामपुरा पुलिस थाना चंद्रा जिला पाली को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम में थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह जोधा, सहायक पुलिस निरीक्षक विजय सिंह, किशन सिंह बाबूलाल, हेड कांस्टेबल महेंद्र कुमार, जगमोहन सिंह कांस्टेबल पवन कुमार, अब्दुल रहीम, भवानी सिंह, लोकेश मोहित सिंह, अनिल कुमार, धोनीलाल, दिनेश तथा मनुपाल आदि शामिल थे।